Greetings to all the viewers, myself Sumedh Singh Chauhan. I welcome you all on the YouTube channel Success Vidhi Mantra. मित्रों, आज हम कन्फेशन अर्थात संस्वीकृति के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे और यह दूसरा भाग हमारा विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो कन्फेशन से रिलेटेड या संस्वीकृति से रिलेटेड जो प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित है। मित्रों, अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 24 से लेकर 30 तक के जो प्रावधान है वो कन्फेशन से रिलेटेड है। उन विषयों को लेकर के, उन प्रावधानों को लेकर के आज हम इम्पोर्टेंट केस लॉज की सहायता से इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं जिनमें वर्डिक्ट आया और उसने इन प्रावधानों में कुछ एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया, इन नए कॉन्सेप्ट के संदर्भ में भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर हम बात करें धारा 24 की, तो धारा 24 ये कहती है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन या संस्वीकृति जो कि इंड्यूसमेंट अर्थात प्रपीड़न, थ्रीट अर्थात धमकी, प्रॉमिस अर्थात वचन के आधार पर कराई जाएगी वह अपराध प्रक्रिया में इररिलेवेंट मानी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कन्फेशन बेसिकली जो होता है वो किसी एक्यूज्ड द्वारा अपने अपराध के विषय में, अपने अपराध की एक्सेप्टेंस के संदर्भ में होता है, तो यह केवल और केवल आपराधिक मामलों में ही लागू होता है। तो आपराधिक मामलों में, आपराधिक प्रक्रिया में कोई भी ऐसा कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस को बेस बनाकर कराया जा रहा है, ऐसा कन्फेशन को इनएडमिसिबल माना गया है। मित्रों, इस प्रकार के कन्फेशन को रोकने का जो प्रावधान है, रोकने से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 316 में बताए गए। मित्रों, अगर हम बात करें धारा 25 की, तो धारा 25 ये कहती है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन जो किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया जाएगा वह नॉन एडमिसिबल की कैटेगरी में आएगा। मित्रों, अगर हम बात करें कि धारा 25 जो केवल पुलिस को के सामने किए गए कन्फेशन को क्यों इनएडमिसिबल बनाती है, तो मित्रों बेसिकली पुलिस के पास एक पावर होती है आर्म्स रखने की और आर्म्स को यूज करने की, या वो उस पोजीशन में होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज्ड को टॉर्चर करके उसे कुछ भी निकलवा सकता है, कुछ भी कहलवा सकता है। तो इस प्रकार से हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि जो कन्फेशन होगा वो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, वह स्व इच्छा से किया गया स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर एक्सकल्पेटरी नेचर का होगा तो वह इनएडमिसिबल हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो टॉर्चर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी टू थ्रीट है, पॉसिबिलिटी टू प्रॉमिस है, पॉसिबिलिटी टू टॉर्चर है, ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो संभावना है, और ये संभावना बेसिकली जन्म हो रहा है संभावना का, पुलिस के पास जो पावर है वेपन्स रखने की और वेपन्स को यूज करने की उसके तहत हो रहा है। इसलिए मित्रों, पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति को भी अग्राह्य बनाया गया है। मित्रों, अगर हम बात करें धारा 26 की, तो धारा 26 कहती है पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन भी नॉन एडमिसिबल होगा, वो भी कन्फेशन एडमिसिबल अग्राह्य होगा। अर्थात कि अगर पुलिस कस्टडी में भी किसी भी व्यक्ति से सिवाय मजिस्ट्रेट, बट बिकेम एडमिसिबल इफ मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, यदि जो मजिस्ट्रेट है वह सासरी उपस्थित है और उसके सामने कोई कन्फेशन पुलिस कस्टडी में किया जा रहा है तो ग्राह्य होगा। अगर इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो पुलिस से किया जाए या पुलिस किसी अदर पर्सन से किया जाए और वो पुलिस कस्टडी में किया जाए, तो ऐसा कन्फेशन भी इनएडमिसिबल बनाया गया है। मित्रों, यहाँ पर एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पुलिस कस्टडी में कोई एक्यूज्ड है और उसको कन्फेस कर रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या वो कन्फेशन ग्राह्य होगा? तो मित्रों, धारा 26 के तहत अगर हम बात करें तो धारा 26 के तहत वो कन्फेशन ग्राह्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो इमीडिएट प्रेजेंस की बात की गई है, यानी उसके ठीक सामने या आसपास ही वह होना चाहिए, सासरी उपस्थित होना चाहिए मजिस्ट्रेट, तभी वो कन्फेशन वैलिड कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा और तभी उस कन्फेशन को एडमिसिबल माना जाएगा। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है तो ऐसा कन्फेशन धारा 26 के तहत वह कन्फेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मित्रों, अगर हम बात करें मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कौन आएगा, तो अगर विलेज जो हेडमैन होता है, जो गांव का मुखिया होता है, सरपंच होता है या जो प्रधान होता है, उसकी अगर बात करें तो वो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उसके सामने कोई एडमिशन किया, कन्फेशन किया जा रहा है, तो वो कन्फेशन भी इनएडमिसिबल होगा। मित्रों, अगर हम धारा 27 की बात करें, धारा 27 अपने आप में एक महत्वपूर्ण धारा है जो कि 24, 25 और 26 धाराओं का एक एक्सेप्शन भी है। वो ये कहती है कि अगर किसी ने थ्रीट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट के आधार पर या पुलिस ऑफिसर को या पुलिस कस्टडी में अदर देन द मजिस्ट्रेट
किसी को कोई फैक्ट बताया, कोई कन्फेशन किया और उस कन्फेशन के फैक्ट के आधार पर पुलिस ने क्या किया, कोई डिस्कवरी की और डिस्कवरी करने के बाद कोई खोज की और खोज करने के आधार पर पुलिस के हाथ कोई फैक्ट लगा जो उसी कन्फेशन को कोरोबरेट कर रहा है, उसी कन्फेशन को संतुष्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में वो जो कन्फेशन हो जाएगा वो वैलिड कन्फेशन हो जाएगा। लेकिन मित्रों इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पर ये धारा 27 एप्लीकेबल होगी। तो मित्रों आइए देखते हैं धारा 27 कहती है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कि पुलिस कस्टडी में कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है। जनरली यहां पर कस्टडी, पुलिस कस्टडी शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात धारा 26 ही हो रही है। लेकिन अगर मित्रों इसको हम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उसमें धारा 24 और 25 के तहत प्राप्त जानकारी भी, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी जो कन्फेशन के जरिए प्राप्त हुई है। उसको एक एडमिसिबल बनाया गया है, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है, फैक्ट डिस्कवरी। अगर कोई भी कन्फेशन किया गया, कन्फेशन में ये बताया गया कि मैंने फला व्यक्ति को मारा था और फला व्यक्ति को मारने के बाद मैंने जो वेपन्स थे, जो चाकू था, वो तालाब में फेंक दिया था। अब होता क्या है, उस आधार पर पुलिस उस तालाब के पास जाती है, उस तालाब से वो चाकू बरामद कर लेती है। तो यहाँ पर ये फैक्ट कि उसने चाकू से उसको मारा था, ये अपने आप को कन्फेशन के आधार पर एडमिसिबल हो जाएगा और ये एडमिसिबिलिटी आएगी धारा 27 के तहत आएगी। तो धारा 27 के लिए आवश्यक है कि कोई इंफॉर्मेशन कन्फेशन के माध्यम से पुलिस को की गई हो, जो कि कस्टडी में भी हो सकती है, थ्रेट इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस के आधार पर भी हो सकती है और पुलिस के आधार पर हो सकती है। धारा 24, 25, 26 तीनों यहाँ पर तीनों के द्वारा कोई कन्फेशन कराया गया है और वह कन्फेशन के आधार पर किसी फैक्ट को डिस्कवर कर लिया गया है, उसी फैक्ट को डिस्कवर किया गया है, जो फैक्ट कन्फेशन में बताए गए हैं, तो वो एडमिसिबल हो जाएगा मित्रों। लेकिन धारा 27 के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनको इन चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। पहला जो बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, अर्थात धारा 27 जो है वो कब एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए मित्रों एक केस था मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 483। तो मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा गया कि जो अब सेक्शन 27 है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को पोर्शंस में तोड़ा जा सकता, स्प्लिट इनटू द पोर्शंस। स्टेटमेंट मस्ट बी स्प्लिट इनटू द पोर्शंस और पोर्शंस मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम अदर्स। और वो जो पोर्शन है, जो पोर्शन साबित हो रहा है, जो फैक्ट का पोर्शन डिस्कवर्ड फैक्ट से मैच कर रहा है, वो पोर्शन सेपरेट किया जा सकता। मित्रों अगर मोहम्मद इनायतुल्लाह का केस इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धारा 27 के संदर्भ में, इसमें कहा गया कि केवल वही स्टेटमेंट का वही पोर्शन ही यहां पर एप्लीकेबल होगा जो धारा 27 के तहत जिसमें फैक्ट को डिस्कवर किया गया है। अगर एक कन्फेशन का, कन्फेशन में कई स्टेटमेंट्स दिए गए, कई फैक्ट्स दिए गए और उन फैक्ट्स में से एक फैक्ट को ही डिस्कवरी के द्वारा कोरोबोरेट किया जा सकता है, तो केवल वो फैक्ट जो फैक्ट का जो पोर्शन है, जो डिस्कवर फैक्ट जिसको कोरोबोरेट कर रहा है, केवल वही एडमिसिबल होगा, बाकी का शेष जो पार्ट होगा वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। मित्रों इसमें बेसिकली दो कंडीशंस बताई गई, स्टेटमेंट मस्ट बी स्प्लिट इनटू द पोर्शंस एंड पोर्शंस मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम अदर्स, कि उनको टुकड़ों में, उस फैक्ट के जो पोर्शंस हैं उसको टुकड़ों, फैक्ट को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता हो और उस टुकड़े का एक भाग, उस टुकड़े का जो एक भाग है वह किसी न किसी तथ्य के द्वारा, जो डिस्कवर्ड तथ्य है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, वो कोरोबोरेट हो गया। मित्रों अगर हम बात करें कंडीशन फॉर ऑपरेशन की, तो इसमें एक के साथ में पूरी कोटैया वर्सेस इंपरन AIR 1947 प्रीवी काउंसिल 119, इसमें कहा गया कि कंडीशन, ये जो सेक्शन 27 है इसके लिए एक कंडीशन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इन कंसीक्वेंस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन के बाद, कन्फेशन के आधार पर डिस्कवरी की गई हो, अगर ऐसे कोई डिस्कवरी की गई है, उस डिस्कवरी में किसी भी प्रकार से कोई फैक्ट निकल के सामने आया है और वो कोरोबोरेट कर रहा है, तो वहां पर सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27 देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इन कंसीक्वेंस ऑफ द कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज्ड। तो उस कन्फेशन के आधार पर ही डिस्कवरी की गई हो और उस डिस्कवरी में फैक्ट निकल के आया हो, तभी ये सेक्शन 27 अप्लाई होगी। ऐसा जो है कुलकुरी कोटैया बना इंपरर AIR 1947 प्रीवी काउंसिल 119 के जजमेंट में कहा। मित्रों अगर हम बात करें डिस्कवरी फैक्ट क्या होता है, तो डिस्कवरी फैक्ट को एक केस का
कमल किशोर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1997 का केस था। इस 1997 के केस में कमल किशोर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया कि डिस्कवरेड फैक्ट का मतलब क्या होगा। उसमें कहा गया मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ पुलिस, कि कोई भी ऐसा तथ्य जो पुलिस के नॉलेज में उस समय हो जब क्या हो, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा हो जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस समय वो फैक्ट पुलिस ऑफिसर के नॉलेज में आ जाना चाहिए। अगर कोई फैक्ट पुलिस ऑफिसर के नॉलेज में उसके बाद आता है और उसके डिस्कवरी जो की गई फैक्ट भी वो फैक्ट भी वही बताता है जो नॉलेज बाद में नॉलेज में आया फैक्ट है, तो दोनों को सेक्शन 27 के तहत एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 27 के तहत अगर एप्लीकेबल होना है वो डिस्कवरी जो डिस्कवर्ड फैक्ट है वह फैक्ट है जो एक बार जब कन्फेशन किया जा रहा हो तब संज्ञान में आया हो और दूसरी बार जब डिस्कवरी की गई हो तब संज्ञान में आया हो, यानी दोनों बार वो सेम फैक्ट ही एग्जिस्ट कर रहा हो, सेम फैक्ट पर ही चर्चा हो रही हो, सेम फैक्ट ही नॉलेज में पुलिस की आ रहा हो। अर्थात कन्फेशन के दौरान एक फैक्ट दिया गया कि जो चाकू है वो तालाब में फेंक दिया था मैंने और पुलिस ने तालाब से चाकू बरामद किया, तो जो चाकू वाला स्टेटमेंट है, चाकू वाला जो फैक्ट है वो कब नॉलेज में आया, सबसे पहली बार कब नॉलेज में आया, पुलिस के नॉलेज में कब आया, जब वो कन्फेशन किया गया। तो डिस्कवरेड फैक्ट का मतलब क्या कि जो पहली बार उस समय एग्जिस्ट किया हो माइंड में पुलिस के या पुलिस के संज्ञान में आया हो, नॉलेज में आया हो जब वो कन्फेशन किया गया हो और उसके बाद वो डिस्कवरी की गई हो, तो वो डिस्कवरेड फैक्ट का मतलब यही होगा। सेक्शन 27 में एप्लीकेबिलिटी के बाद यही कहा गया कि मस्ट बी द नॉलेज ऑफ पुलिस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, कन्फेशन के समय उसके नॉलेज में आना चाहिए, बाद में अगर नॉलेज में आता है तो वो उसके आधार पर डिस्कवरी की जाती है तो वो डिस्कवरेड फैक्ट के क्रेडिट में नहीं आएगा, ऐसा कमल किशोर वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1997 के केस में था। मित्रों अगर आप सेक्शन 27 की स्कोप की बात करें, इसका क्षेत्र क्या है, तो इसमें कहा गया है नीड नॉट बी साइलेंट और कम इंप्रेशन मस्ट बी मेड ऑन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। क्या कहा गया कि KM इब्राहिम एलियास बाबा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2000 का केस है, क्रिमिनल लॉ जर्नल 197, ये साइटोमर साइटेशन है इसकी। इसमें कहा गया कि जो कन्फेशन किया जाएगा और कन्फेशन के बाद जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होगी, उस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा, जो डिस्क्लोजर किया जा रहा है उसको साइन किया जाना, उसको थंब इंप्रेशन किया जाना आवश्यक नहीं, need not be signed or thumb impression must be made on the disclosure statement या disclosure confession या disclosure fact। तो कोई भी fact जो disclose किया जा रहा है, disclose किया जा रहा है कहने का मतलब क्या है कि confessed किया पुलिस स्टेशन में, confessed किया गया पुलिस कस्टडी में, confessed किया गया और उसके आधार पर पुलिस ने कोई discovery की और discovery में वो चीजें निकल के सामने आ गई, तो कहने का मतलब यही है यही कहा गया कि वो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किसी भी प्रकार का थंब इंप्रेशन या साइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों अगर एक और हेडिंग की बात करें तो एक्सेप्शन कहता है कि दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 का केस है, 2019 के केस में दामोदर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यानी दामोदर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019 के केस में कहा गया कि धारा 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन है धारा 27। मित्रों एक महत्वपूर्ण पोर्शन इसका धारा 27 का है जो अक्सर की जुडिशरी के प्री एग्जाम्स में और मेंस एग्जाम्स से पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन रेवेन्यू एक्ट। मित्रों अगर इस पर हम चर्चा करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 27 पर चर्चा करें तो इसको हम दो आर्टिकल्स जो संविधान के हैं उस पर उसको आधार बनाकर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मित्रों आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और धारा 14 कहती है राइट टू इक्वालिटी की बात। तो मित्रों स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवबंद उपाध्याय 1960 का केस था जो धारा 14 से सॉरी जो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, इसमें यह कहा गया देवबंद उपाध्याय स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवबंद उपाध्याय के मामले में जो चर्चा का केंद्र बिंदु था वो यह था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या धारा 27 धारा 14 आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, क्या आर्टिकल 14
जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है उसका वायलेशन करती है धारा 27। अर्थात क्या धारा 27 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर चर्चा की गई 5 जज बेंच की, इसमें दास सर, सीजे दास, कपूर सर और कपूर साहब, और इसके अलावा एम हिदायतुल्ला साहब, इसके अलावा अगर हम बात करें तो के सुब्बाराव साहब जिन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी जजमेंट में, ऐसे करके कई 5 जजेस की बेंच थी। और 5 जजेस की बेंच में सबसे पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 के आधार पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर टेस्ट किया और कहा कि चूंकि धारा 27 धारा 14 जो है सॉरी आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि आर्टिकल 14 में किसी भी प्रकार से ये नहीं बताया गया है कि कोई लॉ यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज नॉट मेंशनड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 के तहत किसी भी कोई भी लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा इसको लेकर के चर्चा नहीं की गई है। अर्थात वहां ये नहीं बताया गया है कि कोई भी जो लॉ बनाया गया है वो लॉ सब पर लागू होना चाहिए, सभी पर एक समान लागू होना चाहिए और सभी जगह पर लागू होना चाहिए, ये बात आर्टिकल 14 में नहीं बताई गई है। अर्थात इसीलिए सेक्शन 27 जो है वो वैलिड है। अब मित्रों जो इसमें चर्चा का मेन प्रश्न था वो ये था कि भाई आर्टिकल 27 के तहत मान लो किसी व्यक्ति ने कन्फेशन की, सॉरी सेक्शन 27 के तहत किसी ने कन्फेशन किया और कन्फेशन कर उसके कन्फेशन के फल स्वरूप कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाएगी तो वह व्यक्ति तो अपराधी हो जाएगा, उसको तो कन्विक्ट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होगा जिसने कन्फेश किया और उसके आधार पर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निर्दोष हो जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसका कन्फेशन एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये जो विभेद किया जा रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एक तरफ जिसका कन्फेशन के आधार पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गई वो कन्विक्शन की कैटेगरी में आ गया और दूसरी तरफ जिसने कन्फेशन किया और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट नहीं हुई, कोरोबोरेशन नहीं हुआ, उसको आप इनोसेंट मान रहे हो। तो ये जो डिफरेंस किया जा रहा है इस डिफरेंस को लेकर के ही चर्चा की गई थी स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवगढ़ उपाध्याय। मित्रों अगर हम बात करें एक इस ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट से जाते जाते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये माना था कि जो धारा 27 है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इसको वाइड किया जाता है। किस आधार पर किया गया था मित्रों, उसने कहा सुखदेव नाम की एक व्यक्ति थी, एक थी और उसके उसकी हत्या का उसका स्टेटमेंट था और उसने कहा कि काटने के बाद सर काटने के बाद मैंने गड़ासा जो था वो तालाब में फेंक दिया था और गड़ासा वहां से बरामद कर दिया और उसको सजा हुआ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अक्यूज की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया, ये प्ली दी गई कि भाई ये तो अन्याय हुआ हमारे साथ कि अगर जिसकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट नहीं होती है वो तो बच जाएगा, जिसकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जा रही है वो तो पकड़ लिया जाएगा, वो तो कन्विक्ट हो जाएगा, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको एडमिट किया और कहा कि सेक्शन 27 वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। जब इसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से चैलेंज किया गया अपील में सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच जिसमें एसआर दास, जस्टिस साह, जस्टिस जेल कपूर, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस के सुब्बाराव, ये 5 जजों की बेंच थी, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सेक्शन 27 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करती, क्योंकि आर्टिकल 14 में कहीं पर भी यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉज की बात नहीं की गई है, इसलिए ये वैलिड है। हालांकि उसमें के सुब्बाराव साहब का डिसेंटिंग ओपिनियन था, के सुब्बाराव का मानना था कि सेक्शन 27 को कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। मित्रों अगर दूसरा चर्चा का विषय जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर सेक्शन 27 की वो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो बात करता है किसी भी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट साक्ष्य देने के लिए बात नहीं किया जाएगा, अर्थात फंडामेंटल राइट्स है कि राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, तो उसमें इससे रिलेटेड एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काफी कालू और 1961 का केस था, यहां पर 1960 का जजमेंट था स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवगढ़ उपाध्याय का केस, और ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काफी कालू और 1961 के केस में ये कहा गया कि भाई अगर किसी से कन्फ्यूशन कराया जा रहा है और कन्फ्यूशन के आधार पर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गई है तो अब इस आधार पर ये जो किया जा रहा है इस पे कन्फ्यूशन के आधार पर
उस व्यक्ति को जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बात नहीं किया जाएगा, तो ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो रहा है। तो पीपी सिन्हा सीजे की कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कन्फेशन कराते वक्त किसी भी प्रकार की कंपल्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार के फोर्स का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी प्रेशर का प्रयोग नहीं किया गया है और उसके बिना कंपल्शन के कोई कन्फेशन किया गया है और उस कन्फेशन के आधार पर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रही है, तो ये कहीं से भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं करता है। अर्थात स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथीपुर 1961 के जजमेंट ये कहा गया कि 20(3) के आधार पर आर्टिकल अनुच्छेद 20(3) के आधार पर धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि इसमें ये साफ साफ लिखा गया है, स्पष्ट किया गया है कि भाई अगर कंपल्सन के आधार पर कराया जाएगा तो वैलिड नहीं होगा, तो कन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा, और अगर वो कंपल्सन के आधार पर नहीं किया गया है, ऐसे स्वेच्छा से कोई कन्फेशन किया गया है और इसके आधार पर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाती है, ऐसे किस वैलिड रहेगा। मित्रों इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो सेल्वी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का एक जजमेंट है जिसमें लाइन डिटेक्टर टेस्ट और नार्कोलेप एनालिसिस टेस्ट की बात की गई थी, जिसमें भी बात की गई थी अगर वॉलंटरली कराना चाहे तो वो करा सकता है, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं होगा। मित्रों अगर हम बात करें सेक्शन 28 कहती है कि अगर कोई इंड्यूसमेंट ट्रीट और प्रॉमिस का जो असर है उस व्यक्ति के ऊपर वो असर समाप्त हो गया है, उसके बाद वो कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन वैलिड होगा। जब तक इंड्यूसमेंट ट्रीट और प्रॉमिस का इंप्रेशन उसके ऊपर बना रहेगा तब तक उसके द्वारा जो कन्फेशन किया जाएगा वो इनएडमिसिबल होगा, लेकिन जैसे ही उसका आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट ट्रीट और प्रॉमिस वो क्या हो जाएगा, वो एडमिसिबल। सेक्शन 28 एडमिसिबिलिटी की बात करती है कन्फेशन की, और ऐसा कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट ट्रेड या प्रॉमिस के असर के समाप्त होने के बाद किया गया है वह कन्फेशन वैलिड की कैटेगरी में आ जाएगा। मित्रों अगर हम सेक्शन 29 की बात करें, सेक्शन 29 कहती है कि अभी तक जो कन्फेशन कराए गए उन कन्फेशन से भिन्न, यानी अदरवाइज रिलेवेंट, अगर इनमें से रिलेवेंट नहीं हुआ और किसी अन्य प्रकार से वो रिलेवेंट है तो वो कन्फेशन भी एडमिसिबल हो जाएगा। ऐसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं मित्रों, जैसे किसी को शराब पिलाकर शराब के नशे में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कन्फेस कर दिया, तो वो कन्फेशन भले ही शराब के नशे में किया गया हो लेकिन वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, वो एडमिसिबल हो जाएगा। इसी प्रकार कंसीक्वेंस ऑफ डिसेप्शन, अगर किसी को धोखा देकर के कोई कन्फेशन कराया जाता है, कोई कन्फेशन प्राप्त किया गया है, तो वो कन्फेशन भी एडमिसिबल होगा, वो कहां पे एडमिसिबल होगा, वो सेक्शन 29 उसको एडमिसिबिलिटी की बात करती है। इसी अन्य प्रकार से अदरवाइज रिलेवेंट का मतलब यही है कि जो अभी तक इसको चर्चा नहीं की गई, जो अभी तक के प्रावधानों में बात नहीं आई, वो उस प्रकार से अगर कन्फेशन कराया जाता है तो कन्फेशन एडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन मित्रों जो सेक्शन 30 है वो भी 29 से रिलेवेंट है, वो कह रही है कंसीडरेशन ऑफ ग्रुप कन्फेशन अगेंस्ट जॉइंटली ट्राइड पर्सन। तो अगर कई लोगों का एक साथ ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा है और उस ज्वाइंटली ट्रायल में कोई व्यक्ति किसी इस आधार पर कि आपकी बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, साइलेंट रखूंगी आप रखूंगा आपकी बात को, या आपको किसी भी प्रकार से जो आपको अगेंस्ट यूज नहीं किया जाएगा, इस आधार पर अगर करके कोई कन्फेशन लिया जाता है तो क्या वो एक्यूज्ड के विरुद्ध बात करूंगा। तो मित्रों बिल्कुल इसको लेकर के सेक्शन 30 कहती है कि मजिस्ट्रेट को पावर है, जजेस को पावर है क्या कि वो उसको चाहे तो यूज कर सके, कि इस आधार पर यूज कर सके, चाहे तो यूज कर सके या चाहे तो ना यूज करे। मित्रों ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है मजिस्ट्रेट या जज को इसलिए दिया गया है क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति किसी रंजिशवश, किसी दुश्मनीवश किसी अपने को या किसी को भी जानबूझकर फंसा सकते हैं, हो सकता है उसका कोई लेना देना उस मामले से ना हो और उसका ज्वाइंटली ट्रायल हो रहा हो, उसको एक आपदा में अवसर लिखा हो कि इस अवसर के आधार पर, इस आपदा के इस अवसर के आधार पर हम उसको फंसा सकते हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन दिया गया मजिस्ट्रेट को कि मजिस्ट्रेट मेरा से भी चेक करें कि भाई वो जो व्यक्ति है जो इस प्रकार का कन्फेशन कर रहा है वो भी मेरे साथ में था, तो ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो कितना सच बोल रहा है, क्या वो उनके बीच में आपस में कोई इनिमिटी कोई दुश्मनी तो नहीं है, और दुश्मनी नहीं भी है तो क्या वो प्रीवियस केसेस में उस व्यक्ति ने
पहले भी किसी को निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया है कन्फेशन के माध्यम से, ये सारी जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कंसीडर करने होते हैं मजिस्ट्रेट को, और मजिस्ट्रेट जब इनको कंसीडर कर लेता है तब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि भाई ज्वाइंटली जिनका ट्रायल हो रहा है उन पर्संस में से किसी भी व्यक्ति को वो कन्फेशन के आधार पर कन्विक्ट करें या ना करें, या उसके एडमिशन को उसके जो कन्फेशन है कन्फेशन किया गया है अगर कोई एक्यूज्ड पर क्या वो बाध्य होगा, अगर कोई एक्यूज्ड या नहीं होगा तो उसको लेकर के वो डिस्क्रिशन है मजिस्ट्रेट का सेक्शन 30 के तहत, उसके आधार पर ही वो कोई एक्शन ले सकेगा। तो मित्रों ये रहा कन्फेशन से रिलेटेड सेकंड पार्ट। मित्रों अगले हम वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।